नमस्कार साथी, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आप सबों को जो है एक वीडियो कल दिया गया था कि आरपी व्यवसाय 2024 का जो 45 दिन बचा हुआ है उसके लिए जो स्ट्रेटजी क्या अपनानी चाहिए, अगर जो नए हैं तो उनके लिए क्या होना चाहिए और जो पुराने हैं उनके लिए जो है क्या स्ट्रेटजी जो है होना चाहिए, मैंने आपको बनाकर दे दिया था। आप सभी मॉक टेस्ट मार रहे होंगे, मॉक टेस्ट मार रहे होंगे तो आपका एक स्कोर भी आ रहा हो, क्या वो स्कोर जो है आपके लिए सेफ है, क्या आप जो है सीबीटी जो है उससे पास कर सकते हैं, यही सब बातें जो है इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए, उसको जानने से पहले सबसे पहले आपको जो है प्रीवियस ईयर जो है कटअप जानना बहुत जरूरी है। जब तक इसको नहीं जानिएगा तब तक लिए आपका जो टारगेट क्या होना चाहिए जो है आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं। टारगेट क्या होना चाहिए ये भी जो इस वीडियो में लोग बात करेंगे, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग जो है। देखिए, आरपी व्यवसाय 2018 जो है जोन वाइज और ग्रुप वाइज जो है ये आपका पूरा क्या लिखा हुआ है, वैकेंसी लिखा हुआ है। वैकेंसी कितना आया हुआ था प्रीवियस ईयर, पहला एग्जाम कब हुआ था, इसका जो एग्जाम जो है 2018 में जो है पिछले बार हुआ था, इस बार कब हो रहा है 2024 में हो रहा है। देख रहे कितना साल में एग्जाम हो रहा है। तो आपको जो है अगर जो है कंधे पर सितारे चाहिए और बदन पर वर्दी चाहिए आप सबों को, तो ये जो है ध्यान से देखिएगा। देखिए जो है ग्रुप ए बी सी डी ई में जो है वैकेंसी जो है आया हुआ था, मेल के लिए आया हुआ था और फीमेल के लिए आया हुआ था। अब देखिए इसको जो है जोन वाइज बांटा गया है। ग्रुप ए आपका रिजल्ट भी इसी तरीके से आपको देखने को मिलेगा। आपको देखिए ग्रुप ए में जो है आपका जो है देखिए कौन कौन सा जोन आता है लिखा हुआ है, एसआर है, एसडब्ल्यूआर है, एससीआर है। यहाँ पर मेल कितना था वैकेंसी 126 दिया हुआ था ग्रुप ए में और फीमेल कितना था 52 दिया हुआ था। और ग्रुप बी में देखा जाए तो मेल के लिए वैकेंसी 144 था, फीमेल के लिए 56 था। और ग्रुप सी देखा जाए तो ये 287 था वैकेंसी मेल के लिए और फीमेल के लिए 112 था। अगर ग्रुप डी में देखा जाए यहाँ पर जो है तो कितना था 173 था और फीमेल के लिए 69 था। अगर ई देखा जाए ई में जो है कितना वैकेंसी था 30 था मात्र जो है, किसका, मेल के लिए, और फीमेल के लिए कितना मात्र था 12 दिया हुआ था। वहीं एफ देखा जाए एफ में जो है सिर्फ 59 मेल के लिए था और फीमेल के लिए कोई वैकेंसी नहीं था। अब ग्रुप ए में जो है कौन कौन सा जोन आएगा आप सबको देखिए लिखा हुआ है। एसआर का मतलब होता है साउथ रीजन होता है, एसडब्ल्यूआर का मतलब होता है साउथ वेस्टर्न रीजन होता है, और एससीआर का मतलब होता है साउथ सेंट्रल रीजन जो है ग्रुप ए के जो है अंतर्गत जो है ये जोन जो है आता है। अब देखिए ग्रुप बी में कौन सा सेंट्रल रीजन आता है, वेस्टर्न रीजन आता है, वेस्टर्न सेंट्रल रीजन आता है, और साउथ ईस्ट जो सेंट्रल रीजन जो है ग्रुप बी में आता है। सी में देखा जाए तो ईस्टर्न रीजन आता है, ईस्ट सेंट्रल रीजन आता है, साउथ ईस्टर्न रीजन आता है, और ईस्ट कोस्ट जो है रीजन जो है आता है। वही ग्रुप डी देखा जाए डी में जो है आता है आपका नॉर्थ रीजन आता है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन आता है, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन आता है, और नॉर्थ सेंट्रल रीजन जो है आता है। अगर ई देखा जाए तो आपका नॉर्थ ईस्ट जो है फ्रंटियर रीजन जो है कौन कौन सा, असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम है ना, वहां से जो है ग्रुप ई में उसको रखा गया है। एफ में देखा जाए तो रेलवे प्रोटेक्शन जो है स्पेशल फोर्स को जो है एफ जो है ग्रुप में रखा गया है। वैकेंसी इतना था, मेल के लिए कितना था 819 था, और फीमेल के लिए देखा जाए तो 301 था। अगर मिलाकर देखा जाए तो 1100 जो है 20 जो है यहाँ पर वैकेंसी देखने को मिल रहा है। कितना 1120, तो 2018 में जो है दोनों मिला करके मेल और फीमेल को जो है 1120 वैकेंसी जो है आया हुआ था। अब देख लेते हैं कटअप जो है, जो सीबीटी 1 का जो कटअप था आपका सीबीटी का, ये जो है कटअप जो है प्रीवियस ईयर का जो है लिखा हुआ है। कैसे, यह ग्रुप वाइज दिया हुआ है और कैटेगरी वाइज बांटा गया है। कैटेगरी वाइज है, ग्रुप वाइज है ये आपका, और मेल और फीमेल का है बांटा गया है। देखिए ग्रुप ए जो है, ग्रुप ए में कौन कौन सा रीजन था आप लोग बता दिए पीछे जो है। देखिए यूआर का कितना गया है, मेल के लिए 94 गया है, कितना में 120 में, जिसमें मैथ जो है 35 क्वेश्चन, रीजनिंग 35 क्वेश्चन और जीके का 50 क्वेश्चन है ना, उसी जो है 120 में जो है 94 जो है गया हुआ है मेल का, यूआर का देखा जाए तो। फीमेल कितना गया है 79 गया हुआ है। ओबीसी देखा जाए तो ओबीसी में जो है 95 गया है 120 में, देख रहे हैं ना 77 जो फीमेल का गया है। एसटी के लिए 85 गया है, वही फीमेल के लिए 60 गया हुआ है। एससी देखा जाए एससी का तो यहाँ पर 88 गया हुआ है, देख रहे हैं ना, यह 74 जो गया हुआ है। अगर ग्रुप बी में अगर देखा जाए ये आपका रीजन है, यूआर के लिए कितना गया हुआ था, मेल के लिए 100 गया हुआ था 120 में, देख रहे हैं ना कितना ऊपर गया है, 100 गया है यहाँ पर। और जो फीमेल में देखा जाए 87 गया है। ओबीसी अगर कैटेगरी में देखा जाए तो मेल के लिए जो 97 गया है, फीमेल के लिए 81 गया है। अगर देखा जाए एसटी कैटेगरी में देखा जाए तो 85 गया है मेल का और फीमेल का 64 गया है। वहीं देखा जाए एससी कैटेगरी में देखा जाए तो 90 गया हुआ है मेल का और फीमेल का गया है 74 जो है गया हुआ है। ये जो है ग्रुप बी के लिए दिया गया है।
अब ग्रुप सी देखा जाए तो है ना, ग्रुप सी का रीजन जो है ये आपका रीजन दिया हुआ है, यूआर के लिए कितना 94 गया था मेल के लिए, फीमेल के लिए 79 गया था। ओबीसी देखा जाए तो 92 गया था यहाँ पर मेल के लिए, फीमेल के लिए 75 गया था। एसटी रीजन के लिए, एसटी कैटेगरी के लिए 81 गया था मेल के लिए, फीमेल के लिए 62 गया था। एससी के लिए कितना 84 गया था, 84 गया था यहाँ पर देख रहे हैं ना, और यहाँ फीमेल के लिए 66 गया था। वहीं डी चला जाए ग्रुप में तो कौन कौन सा, यूआर जो है कैटेगरी के लिए 99 गया था मेल के लिए, फीमेल के लिए 87 गया था। ओबीसी के लिए देखा जाए तो कितना 97 गया था, देख रहे हैं ना 97 गया था ओबीसी का जो है मेल के लिए, फीमेल के लिए 84 गया था। एसटी देखा जाए तो एसटी के लिए 87 गया था, 72 गया था, है ना। एससी के लिए देखा जाए 88 गया था यहाँ पर, और यहाँ पर 72 जो है फीमेल के लिए गया हुआ था। ये जो है ग्रुप डी वाला है, ये ग्रुप सी वाला है, ग्रुप ए और बी आगे पीछे हम बता दिए हैं। आगे चलते हैं ई और एफ जो है, ए बी सी डी ई एफ जो है ये ग्रुप में जो है बांटा गया है। रिजल्ट भी जो है इसी तरीके से आपको जो है शो किया जा रहा है। देखिएगा ई में जो है कौन सा आ रहा था, सिर्फ ये आपका जो है रीजन जो है दिया हुआ है। अब यूआर कैटेगरी यहाँ पर कितना आया था, यहाँ पर जो है 74 मेल के लिए, फीमेल में देखा जाए तो 42 कम है, एन ओबीसी देखा जाए तो यहाँ 77 120 में, यहाँ 46 जो है बहुत कम है। एसटी देखा जाए कितना 62 है मेल में जो है, और फीमेल का कितना है यहाँ जो है 40 है। एससी देखा जाए 69 है, यहाँ 38 है 120 में। अब एफ देखा जाए ग्रुप को जो है, यूआर के लिए कितना मेल में 76, यहाँ 42 कम है, है ना। यहाँ पर ओबीसी देखा जाए तो 87 है, यहाँ 46 है। एसटी देखा जाए यहाँ 65 है, और यहाँ आपका 40 दिया हुआ है। एससी देखा जाए कैटेगरी को तो यहाँ 72 जो है मेल के लिए है, और फीमेल के लिए 38 दिया हुआ है। तो सभी ग्रुप को देख लिए, मेल और फीमेल का देख लिए, और कैटेगरी वाइज भी देख लिए। इससे क्या अनुमान लगता है आप सबको, देखिए तो इससे क्या अनुमान आप सबको लगता है, देख रहे ना, 90 भी गया है, 100 भी गया है आपका, 80 भी गया है, 88 भी गया है। इस तरीके से आपका जो है पिछले बार कितना था वैकेंसी, 1100 अगर देखा जाए तो 819 तो मेल था, और फीमेल जो था 301 था, मिलाकर देखा जाए 1120 आपके वैकेंसी जो है पिछले बार 2018 में दिया हुआ था। इस बार का वैकेंसी कितना है, तो इस बार का वैकेंसी जो है ये जो आपका जो है एसआई जो है ना सब इंस्पेक्टर, ये लेवल 6 में आता है, ये जो है लेवल आपका जो है 6 में आता है बाबू, लेवल 6 में आता है। अब यहाँ पर जो है कितना वैकेंसी है, मेल और फीमेल मिला करके 452 मात्र दिया हुआ है, दिख रहा है ना आप सबको 452। नीचे वाला क्या है, नीचे वाला कॉन्स्टेबल के लिए है, जिसके बारे में अभी कोई जो है इंफॉर्मेशन जो है नोटिस जो है नहीं दिया गया, एग्जामिनेशन जो है कब होगा आपका जो है। ये दोनों मिलाकर आपका आया था वैकेंसी 2024 में ये 4208 था, और ये जो मिलाकर अगर देखा जाए तो 4660 हो जा रहा है, पर हम लोग तो फोकस इस पर करना है, ये जो है एसआई को देख रहे हैं, सब इंस्पेक्टर को देख रहे हैं। 452 है मेल और फीमेल, पिछला बार कितना था, पिछला बार 1100 जो है 20 था, और यहाँ पर 450 है, देख रहे हैं ना वहाँ पर कट ऑफ क्या गया था, आप सभी देख रहे हैं ना कट ऑफ जो है वहाँ पर कितना जो है ऊपर गया था, 100 में जो आपके 120 में जो है 100 भी गया था, 90 भी गया था, 88 भी आया था, 80 भी आया था, पर यहाँ पर जो है आपका कम है, वैकेंसी कम है, तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा कटअप जो है ऊपर जाएगा आप सबों का। कितना जाएगा तो देखिए यहां पर टारगेट क्या लेके चलना है आप सबों को, आप सभी जो मॉक टेस्ट मार रहे हैं ना, मॉक टेस्ट मार रहे हैं, आप सभी का स्कोर कितना आ रहा है, क्या 70 आ रहा है, क्या 60 आ रहा है, क्या 50 आ रहा है। अगर कोई बोलेगा कि इतना में भी आप सेफ हैं तो बाबू आप गलत है, आप यहाँ पर गलत है, आपको यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर गलत जो है इंफॉर्मेशन नहीं दिया जाएगा। आपको जो है लेकर चलना है आपका स्कोर, अगर जो है अगर आपका स्कोर जो है 90 से 100 के बीच में आ रहा है बाबू तो आप जो है सेफ है, क्योंकि इस बार जो है वैकेंसी आपका जो है पिछले बार के कंपेयर में देखा जाए वहाँ 1120 था और यहाँ पर 450 मात्र दिया हुआ है, यहाँ थोड़ा सा ऊपर जाएगा, आपको थोड़ा ऊपर लेके चलना है। कितना में, 120 में आपको जो है, 120 में जो है आपको क्या करना है, आपको जो है अभी जो है मॉक टेस्ट मार रहे हैं ना, 90 से 100 जो है यहाँ लेकर चलना है, 90 से 100 यहाँ पर लीजिएगा, वहाँ जो आपका पेपर होगा वहाँ से आपको जो है बेनिफिट मिलेगा, बहुत सारे जो है आपके जो है शिफ्ट में एग्जाम होंगे वहाँ पर आपको नॉर्मलाइज जो है मार्क्स जो है बढ़ाया जाएगा कुछ नंबर, वो आपका जो है इसमें आ जाएगा, कट ऑफ जो है आप पार कर जाइएगा। अभी तो टारगेट आपको यही लेकर चलना है, अगर मॉक टेस्ट मार रहे हैं तो
तो आपको 90 से 100 के बीच में जो है आपका टारगेट जो होना चाहिए। 90 से 100 में आ रहा है तो आप जो है सेफ हैं, अगर नहीं आ रहा है तो देखिए जो है उस पर्टिकुलर जो है कौन से सब्जेक्ट में आपको दिक्कत हो रहा है। मैथ में दिक्कत हो रहा है मैथ को देखिए और मैथ में जो है उस पर काम कीजिए। अगर रीडिंग में दिक्कत हो रहा है तो रीडिंग देखिए कहाँ से गलती हो रहा है उस पर काम कीजिए और फिर से आपको जो है आपको मॉक टेस्ट देना है। उसके बाद जो है आपको जो है जीएस में देखिए कहाँ पर गड़बड़ हो रहा है उसको भी देखिए और जो है अपने स्कोर को जो है बढ़ाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि 90 और 100 कीजिएगा तभी जा करके आपका जो है आना इस बार जो है सीबीटी एक ही एक आपका एग्जाम है, ज्यादा आपका एग्जाम तो है नहीं, सिर्फ सीबीटी देना है। उसके बाद जो है आपको जो कट ऑफ आएगा उस कट ऑफ को आपको जो है क्वालीफाई करना है। उम्मीद करता हूँ कि सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी और जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप सभी कमेंट कीजिएगा, मैं सॉर्ट आउट करने का प्रयास करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद साथियों।